प्यारे बच्चों नमस्कार। गणित का जादू मैथमेटिक क्लास वन हमारे आसपास की आकृतियों में आज हम सीखेंगे छोटी बड़ी आकृति के बारे में। मैं फिर से हाजिर हूँ राकेश सिंह राजपूत आपके समाज शासकीय माध्यमिक विद्यालय मनपुरा विकास खंड डेढ़ जिला भिंड से। तो लीजिए प्यारे बच्चों आ जाइए। पिछले पाठ में आपने सीखा था एक जैसी आकृतियों का मिलान करना। इसमें प्यारे बच्चों देखिए सीखने जा रहे हैं यानी छोटी बड़ी। सबसे छोटी आकृत में रंग भरिए। तो देखिए प्यारे बच्चों ये उदाहरण दिया है, जैसे ये तीन आकृतियां हैं हमारे आयत की, ये तीन आकृतियां हैं चौकोर। इसमें देखिए भरा गया है छोटी आकृत में पीला रंग। इसी प्रकार से आगे देखिए ये तीन हमारे गोलाकार यानी गोले बने हुए हैं, गोलाकृतियां हैं। इसमें हमें भरना है सबसे छोटी आकृति में रंग। तो लीजिए बच्चों हम सबसे छोटी आकृत में आज भरेंगे पीला रंग। तो ऊपर देखा आपने इसी प्रकार इन तीनों आकृतियों में हमें तुलना करना है। तो इसमें है हमारी सबसे छोटी आकृति, तो इसमें हम भरेंगे पीला रंग। तो देखिए इसमें अपन पीला कर देते इसको और इसमें भर दिया ये पीला रंग। तो इस प्रकार से भरना है। इसी प्रकार इसमें तीनों में देखिए कौन सी सबसे छोटी है। तो ये एक दो तीन तीनों आकृतियों में देखिए सबसे छोटी आकृति यह है। तो इसमें हम भरेंगे पीला रंग, तो इसमें भी हम पीला रंग भर देंगे। तो ये भर दिया। इसी प्रकार से इस छोटी आकृति में भी भर देंगे हम पीला रंग। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमें आकृतियों में यानी छोटी आकृति में भरना है पीला रंग। देखिए प्यारे बच्चों अभी हमने रंग भरा था। आप एक जैसी आकृतियों का मिलान कीजिए। हमें जिस तरह से ये देखिए एक जैसी आकृतियों का मिलान किया है उसी तरीके से हमें अन्य आकृतियों में एक जैसी आकृति का मिलान करना है। तो लीजिए देखिए ये त्रिभुज में बनी हुई है। तो हम पहले सबसे पहले यही देख लेंगे त्रिभुज में कौन सी आकृति बनी हुई है। तो देखिए त्रिभुज में ये बनी हुई है और बाकी भी हम मिलान कर लेंगे। तो ये मिल रही है हमारी आकृति, तो हम इससे इसको कर देंगे मिलान। तो ये हमने कर दिया। चलो दूसरा कलर चॉइस कर लेते, ये दिखाई नहीं दे रहा तो हमने इसको इससे मिला दिया। अब देखिए ये गोलाकार में बनी हुई है, इसका मुंह गोल है, तो इधर इसका मुंह गोल है और बाकी सभी आकृतियां भी मिल रही हैं। बारीकी से देखना है तो हमें इससे इसको मिला देना है। और देखिए प्यारे बच्चों ये हमारी बेलनाकार आकृति में इसका मुंह बना हुआ है और इधर बेलना आकृति इधर है देखिए, तो इसको इससे हम मिला देंगे। अब आगे देखिए कोई आकृति शेष नहीं बची, सबका हो गया मिलान। तो ये प्यारे बच्चों हमने मिलाया एक जैसी आकृतियों को आपस में। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज आपने सीखा एक जैसी आकृतियों को मिलान करना और छोटी आकृति में रंग भरना। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे कल नए अध्याय के साथ। गुड मॉर्निंग।